गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास ट्वेल्थ का जो आपकी टेक्स्ट बुक है, आपकी दो टेक्स्ट बुक हैं। फर्स्ट टेक्स्ट बुक जो है आपकी रेनबो है, जिसका सिलेबस मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जहाँ से 25 मार्क्स के लिए आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और दूसरी आपकी बुक जो है वो पैनोरमा है, जहाँ से 15 मार्क्स के लिए आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये डिसाइड किया है, क्योंकि अगर देखा जाए दोनों बुक की कंपेरिजन में तो ये थोड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अधिक अंकों के लिए पूछी जाती है। और पैनोरमा में कुछ स्टोरीज ज़्यादा होती हैं, तो वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा इजी रहता है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि सबसे पहले हम जो टेक्स्ट बुक है अपनी रेनबो, उसको जो भी उसके लेसन्स हैं हम उनको सबसे पहले लर्न करेंगे। आपको बता दें, इससे पहले आपका जो भी राइटिंग पार्ट है, पिछले बीते कुछ मंथ्स में हमने वो राइटिंग पार्ट अपना कंप्लीट किया है। बस आप सभी विद्यार्थियों से ये उम्मीद है, ये आशा है और विश्वास भी है कि आप निरंतर मेरे द्वारा सिखाए गए उन टॉपिक्स को आप अभ्यास में लाएंगे और निरंतर प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, हम ये तो पढ़ ही रहे हैं, वो उनका भी अभ्यास आप करते रहेंगे तो वो चीज़ें जो हैं आपको याद बनी रहेंगी, अन्यथा धीरे धीरे आप उनको भूल जाएंगे और फिर से उतनी ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी जितनी मेहनत आपने पहली बार सीखने में की थी। तो आज जो मैं कहूँ हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टेक्स्ट बुक का रहेगा। ठीक है, और टेक्स्ट बुक कौन सी रहेगी हमारी, रेनबो। ठीक है, रेनबो जो आपसे पूछी जाती है 25 मार्क्स के लिए, जिसमें से 15 मार्क्स आपके प्रोज पार्ट के हैं और 10 मार्क्स जो है आपके वो है पोएट्री। आपको बता दूं बच्चों, रेनबो में भी आपका जो फर्स्ट लेसन है, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वाटर, ओके, जिसको आप जल या पानी कहते हैं। ठीक है, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, यानी आप कह सकते हैं कि जल जो है जीवन का आधार है। लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन्ड विदाउट वाटर, पानी के बिना एक क्षण भी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, ये आप सभी जानते हैं। यही कारण है कि जल जो है मानव जीवन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा एक आवश्यक चीज है। इसी कारण से हमारी जो गवर्नमेंट है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो आने वाली जेनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उसको कहीं ना कहीं वो अवेयर करना चाहती है कि किस प्रकार से हम सभी लोगों को मिलकर के जल का संरक्षण करना चाहिए, वाटर को किस प्रकार से हम कंजर्व करें। ठीक है ना, किस प्रकार से इसको वेस्ट होने से हम बचाएं, इसको बहाएं नहीं, इसको व्यर्थ ना गवाएं। तो ये इम्पोर्टेंस बताने के लिए निश्चित रूप से यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है और सबसे पहला ही लेसन जो है वो वाटर टॉपिक का जोड़ा गया है, जो कि एक ऐसे है। और आपको बता दूं इसके जो ऑथर हैं प्रोफेसर सीवी रमन, ठीक है, प्रोफेसर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, आपको पता होगा प्रोफेसर सीवी रमन को साइंस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जो है वो प्राप्त हुआ था। आपको ये भी बता दूं विद्यार्थियों कि बहुत कम शख्सियत ऐसी हैं जिनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जो है प्राप्त हुआ है,
ये आप कह सकते हैं कि आपका सौभाग्य भी है कि हमारा रेनबो बुक का सबसे पहला ही लेसन जो कि वाटर है, और वो भी नोबेल प्राइज़ विनर प्रोफेसर सी वी रमन के द्वारा लिखा हुआ एक निबंध है, जिसमें उन्होंने हर पहलू को कि हर पहलू में हर क्षेत्र में व्यक्ति के लिए जल की कितनी महत्ता है उसके महत्व को बताने का प्रयास किया है। आज हम सबसे पहले तो चाहेंगे कि हम प्रोफेसर सी वी रमन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वाटर जल उसके जो पॉइंट्स हैं, लेसन तो हम चलो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक वाटर, यानी सबसे पहले हम वाटर जो है इसके जो मेन जो इसके कह सकते हैं जो कीवर्ड्स दे रखे हैं या कह सकते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं आपके लेसन के अंदर, पहले आप उसको समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से कि जब लेसन पढ़ाया जाएगा तो आपको पूरी चीज़ें जो है क्लियर होती चली जाएंगी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सी वी रमन के बारे में देख लेते हैं, वो आप समझ लें इसको। प्रोफेसर सी वी रमन वॉज बॉर्न इन साउदर्न इंडिया। तात्पर्य हुआ कि प्रोफेसर सी वी रमन का जन्म जो है वो दक्षिण भारत में हुआ था, आप कह सकते हैं, एंड ही डिवोटेड हिज लाइफ, एक चीज यहां पर बता देता हूं कि डिवोटेड का जो तात्पर्य है वो क्या है बच्चों, समर्पित कर देना, डिवोटेड यानी समर्पित कर देना, कि ही डिवोटेड हिज लाइफ टू दी कॉज ऑफ साइंस एंड रिसर्च। कि प्रोफेसर सी वी रमन का जन्म जो है वो दक्षिण भारत में होगा, ये समझने की चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं। एंड ही डिवोटेड, उन्होंने समर्पित किया था हिज लाइफ, अपने जीवन को, टू द कॉज ऑफ साइंस एंड रिसर्च, यानी विज्ञान और विज्ञान के शोध के ऊपर उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है समर्पित कर दिया था। आप लिख सकते हैं ही वॉज अवॉर्डेड, ही वॉज अवॉर्डेड यानी ये पैसे में आपका ही वॉज अवॉर्डेड, उनको पुरस्कृत किया गया था, किससे, दी नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, यानी भौतिक विज्ञान में उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। आप एक चीज और आपने पढ़ाई होगा, he expounded the theory called Raman effect। यहां पे expounded भी आपको बताना चाहूंगा, expounded का तात्पर्य है प्रतिपादित करना, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, प्रोफेसर सी वी रमन वॉज बॉर्न यानी उनका जन्म हुआ था इन साउदर्न इंडिया यानी दक्षिण भारत में, एंड ही डिवोटेड, उन्होंने समर्पित किया था हिज लाइफ, अपने जीवन को, टू द कॉज ऑफ साइंस एंड रिसर्च, यानी अपने विज्ञान के लिए, शोध के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, उन्हें नोबेल प्राइज जो था, नोबेल पुरस्कार उन्हें सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज से इन फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, और ही एक्सपाउंडेड यानी उन्होंने प्रतिपादित किया था द थ्योरी यानी सिद्धांत, जिसको आप किस नाम से पुकारते हैं,
रमन इफेक्ट। निश्चित रूप से आपने रमन इफेक्ट थियरी या रमन प्रभाव जो है साइंस में अवश्य ही पढ़ा होगा, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज जो है प्राप्त हुआ था। तो ये उनके बारे में एक ब्रीफ थोड़ा सा एक परिचय है, क्योंकि हम जब उनके लेसन को पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होना हमारे लिए आवश्यक होता है, ठीक है ना। आप अगर चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसके जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, लेसन मैंने आपको बताया जिसका टाइटल है वाटर, और इसके जो ऑथर हैं ये आपको मैंने बता ही दिया अभी, प्रोफेसर सी बी रमन, ठीक है, यानी प्रोफेसर चंद्रशेखर वेंकट रमन वॉज पॉपुलरली नोन एज प्रोफेसर सी वी रमन, ठीक है। उनको लोकप्रियता के रूप में सी वी रमन के नाम से भी पुकारा जाता था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी की पॉइंट्स, इसके और भी कुछ की पॉइंट्स हैं, अभी हम इस पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे की पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड दी लेसन। देखो थोड़ा इन जो भी मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ विद्यार्थियों, अगर आप इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं एक बार, तो आप ये विश्वास कर लें कि आपका ये पूरा ही जो लेसन है वो इन्हीं पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमेगा। मतलब ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप कह सकते हैं द पर्पज ऑफ द लेसन, ये जो है ये पॉइंट्स ही जो है उसका पर्पज है। लेसन में इन्हीं चीज़ों को बताने का प्रयास किया गया है। तो इसमें सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है वाटर एज एलिक्सियर ऑफ लाइफ। आप जान लें कि जो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है एलिक्सियर, इसका हिंदी अर्थ होता है अमृत। ओके, हिंदी अर्थ क्या है इसका? अमृत है। कि जल जो है एज एलिक्सियर ऑफ लाइफ, कि जल जो है वो जीवन का वास्तविक अमृत है, ठीक है। एक अमृत तो आपको पता होगा, समुद्र मंथन हुआ था, वहां से अमृत निकला था, और उसके बारे में कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति उस अमृत को पी लेता है तो वो इमोर्टैलिटी यानी अमरता प्राप्त कर लेता है, ठीक है, अमृत तो प्राप्त कर लेता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोफेसर सी वी रमन जो बात कर रहे हैं एलिक्सियर की, वो एलिक्सियर समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ अमृत नहीं है। वो बात कर रहे हैं कि जीवन का वास्तविक अमृत, जीवन का जो सच्चा अमृत है वो क्या है? आपका वाटर है, जल है। कि व्यक्ति को जल की हिफाजत करनी चाहिए, उसको संरक्षित करना चाहिए, ठीक है। तो वाटर जो है सी वी रमन के दृष्टिकोण से उनके अनुसार जीवन का सच्चा या वास्तविक अमृत है। पहला पॉइंट आपका ये है, बहुत ही जरूरी है समझना कि आपका टाइटल ये है एलिक्सियर जो है, यहां पे जल को कहा गया है। पहली चीज डिफरेंस यानी एक अंतर बिटवीन लीबिया एंड एक लीबिया, लीबिया का जो मरुस्थल है उसमें एंड वैली ऑफ नील, नील तो आप समझते हैं नील नदी, नील नदी की घाटी, ठीक है, और जिसके किनारे पे इजिप्ट जो है मिस्र जो बसा हुआ है, ठीक है, मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे किनारे पनपी थी या बसी थी। तो डिफरेंस बिटवीन लीबियन डेजर्ट एंड वैली ऑफ नील, बच्चों आपको ये भी समझना है कि एक तरफ तो लीबिया का मरुस्थल, मतलब उन्होंने बताया है प्रोफेसर सी वी रमन ने, जब हम लेसन को पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है कि मैं एक ऐसे स्थान पर खड़ा था और वहां से मैंने देखा कि एक तरफ तो मेरे एक साइड तो लीबिया का डेजर्ट था, मेरे एक तरफ क्या था? लीबिया का मरुस्थल था। मरुस्थल तो समझते हैं आप, रेगिस्तान होता है, ठीक है, जहां पे कोई भी जो हरियाली होती है वो नहीं होती है। और दूसरी तरफ मैंने देखा था वैली ऑफ नील, नील नदी की घाटी थी, ठीक है ना, और नील नदी की घाटी जहाँ पे, जब नील नदी है जहाँ पे पानी की प्रेजेंस थी, पानी की उपस्थिति थी, तो निश्चित रूप से वहाँ पे टीमिंग विद वेजिटेशन यानी वहाँ पे पूरा एरिया जो था वनस्पति से भरपूर था या भरा हुआ था। तो इस तरफ तो हरियाली थी और वनस्पति थी, लेकिन एक तरफ मेरे एक साइड में तो हरियाली थी और वनस्पति थी, पानी था, एक तरफ मरुस्थल था। और एक तरफ मरुस्थल होना और एक तरफ जो है हरियाली होने के बीच का जो अंतर था, ये वो अंतर क्या था? वो अंतर था वाटर का, कि एक तरफ तो प्रेजेंस ऑफ द वाटर
और इस तरफ एब्सेंस ऑफ दी वॉटर, यानी यहाँ तो पानी का अभाव था जबकि यहाँ पे पर्याप्त पानी था। तो यहाँ से भी इन्होंने जल का जो महत्व है उसको बताने का प्रयास किया है, जो कि आप लेसन में आगे पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट आप देखते हैं यहाँ पे, ये आप समझ गए होंगे, एलिक्सर ऑफ जो लाइफ है वो भी आप समझ गए हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिल्ट बाई रिवर वॉटर, फॉर्मेशन यानी बनना, यहाँ पे एक शब्द आया है विद्यार्थियों सिल्ट, और सिल्ट का जो तात्पर्य होता है, जो इसका हिंदी अर्थ है, वो होता है गाद। क्या होता है? गाद। हो सकता है बहुत से बच्चे अब गाद नहीं समझ पाए हों, तो मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्मेशन ऑफ सिल्ट बाई रिवर वॉटर, कि नदी के पानी की, नील नदी है, इस नदी के पानी के द्वारा किस प्रकार से गाद का निर्माण हुआ, तो मैं गाद आपको बता देता हूं कि पानी जब ऊपर जो एबिसिनिया की जो पहाड़ियां हैं, इसमें आप लेसन में आगे पढ़ेंगे, उन पहाड़ियों से होता हुआ जब पानी नीचे की तरफ आता है तो अपने साथ कंकड़ लेके आता है, मिट्टी के कुछ कण लेकर के आता है, और जैसे जैसे वो कण जो है जब पानी के साथ आते जाते हैं तो वो एक दूसरे से टकराएंगे, और टकराते टकराते उनका जो कणों का जो आकार होता है वो कैसा हो जाता है, छोटा होता चला जाता है और बहुत बारीक हो जाता है, और एक दूसरे से टकराने के कारण वो कैसे हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं। तो एक तरीके से ये गाद आप कह सकते हैं चिकनी मिट्टी, ठीक है, इसको क्या कह सकते हो आप, चिकनी मिट्टी कह सकते हो, कि चिकनी मिट्टी हो जाती है। और ये सिल्ट, आपको ये भी बता दूं, ये सिल्ट जो है बहुत ही कैसी है, फर्टाइल, उपजाऊ, कि जहां पे सिल्ट होगी, अब सिल्ट कहां पे होगी, सिल्ट जो नदियों के किनारे, जैसे मिट्टी वहां से लेकर के आए, पहाड़ियों से पानी गिरता हुआ आया और नदी नालों में जब जाता है तो कहीं पे एक जगह वो सिल्ट जो एकत्रित होती जाती है, पानी निकल जाता है और कण कण जो है किसी से टकरा के बाहर रुक जाते हैं, तो वहां नदियों के आसपास किनारे पे जो आपकी जमीन होती है वो कैसी हो जाती है, बहुत उपजाऊ हो जाती है, और उपजाऊ हो जाने का कारण जो है वो क्या है, ये गाद या फिर चिकनी मिट्टी होती है जिसके कारण वो उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। तो ये सिल्ट का निर्माण कैसे हुआ, तो मैंने यही आपको बताया कि सिल्ट का निर्माण कैसे हुआ, ऊपर से जो पानी आया, पानी अपने साथ उन छोटे छोटे बारीक कणों को लेकर के आया, जो बारीक और भी एक दूसरे टकरा के बहुत चिकनी मिट्टी का उन्होंने रूप ले लिया, जो कि वहां की जमीन जहां पे ये गाद एकत्रित हो गई या जम गई, वहां की जमीन कैसी हो गई, उपजाऊ हो गई, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन इसका इस प्रकार से हुआ, इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ। अब देखते हैं हाउ द वॉटर एड्स टू द ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड, कि हाउ द वॉटर, ये सभी चीजें आप एज ए क्वेश्चन भी देखेंगे, अभी तो हम इसको पॉइंट वाइज एक बार डिस्कस कर रहे हैं, जब हमारा लेसन हो जाएगा तो लेसन के बाद आप किताब के पीछे पाएंगे कि ये सभी चीजें आपके क्वेश्चन के रूप में भी लिखी हुई हैं। हाउ द वॉटर एड्स टू द ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड, कि जल जो है वो किस प्रकार से एड करता है, बढ़ाता है द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, यानी कंट्री साइड से यहाँ तात्पर्य देश से नहीं है बल्कि कंट्री साइड से यहाँ पर तात्पर्य है बच्चों कोई भी ग्रामीण क्षेत्र या फिर कह सकते हैं देहात, गांव, ठीक है ना, कि गांव के सौंदर्य को किस प्रकार से पानी जो है वो इंक्रीज करता है, किस प्रकार से बढ़ाता है। आप जानते हो कि गांव में जो तालाब होते हैं उन तालाबों के पास में जो भी गांव के जो मवेशी होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो अपनी प्यास को बुझाने के लिए आते हैं, ठीक है, अपनी प्यास बुझाते हैं, तो वहां पर मवेशियों का आना ये भी एक सौंदर्य, पहली चीज तो कहीं पे भी जलाशय होना, तालाब होना, ये भी अपने आप में एक सौंदर्य होता है, वहां पर जानवर आते हैं अपनी प्यास को बुझाते हैं, वो भी एक सुंदर दृश्य होता है। उन तालाबों के ऊपर, उन देहात के स्थानों में तालाबों के ऊपर सूर्योदय और सूर्यास्त का देखा जाना भी एक मनमोहक दृश्य होता है, कि जैसे ही वहां पे सूर्योदय हो रहा है तो उसका जो प्रतिबिंब है, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आप पानी में देखते हैं, सूर्य अस्त जब हो रहा है तो उसका भी प्रतिबिंब आप पानी में देखते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वाटर टैंक्स होते हैं, जो तालाब होते हैं, वो देहात का जो एक सौंदर्य होता है उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने आज डिस्कस किए इसके कुछ पॉइंट, और इसके जो कुछ पॉइंट हैं हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप जो इसके एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि लेसन को आप, मैं जब शुरू करूंगा तो उसको पढ़ने से पहले इसका जो कुछ वोकेबुलरी है, जो इसका शब्दकोश है, शब्द हो सकता है कि आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगे, एक ये ऐसे है वाटर पे, और उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रोफेसर सी वी रमन के द्वारा लिखा हुआ ये
एक ऐसे है, तो निश्चित रूप से इसका स्टैंडर्ड तो है ही, इसका लेवल है, तो निश्चित रूप से आप उनके जो उन्होंने लिखा है उनकी जो सोच रही थी उस टाइम, उनकी सोच के समकक्ष पहुंचने के लिए आपको भी थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो उनकी सोच तक पहुंचने के लिए, सोच के आसपास तक पहुंचने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा कि आप भी उसी प्रकार से सोचें, ठीक है। तो आप इसका जो भी शब्दकोश है उसको कंप्लीट करेंगे, उसको लर्न करेंगे, और उसके बाद हम इसका जो अगला पार्ट है उसको देखेंगे। उम्मीद है कि ये चीज़ें सभी चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी, ठीक है ना। आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।